रेस्टोरेंट के बाद मोए मोए हो गया। हम पहुंच चुके हैं खान मार्केट। मैं खड़ी हूँ स्टॉप पे वेट कर रही हूँ, वहाँ पे वो बस ड्राइवर दूर से ऐसे मुझे हाथ हिला रही है। कुछ लोरी ये एल्विस प्रेस्ले से इंस्पायर्ड है कुछ। The exciting thing is going to be day after, जब हम जाएंगे गांव में। जिन लोगों से नहीं मिल पा रहा उनसे you know apologies, but पहले 5 बार ट्राई करके जा चुकी हूँ, 5 बार। तो हेलो जी, कैसे हैं सब लोग, है ना? सोच रहे होंगे कि मैं एकदम बाहर से यहाँ कैसे कूद गई हूँ और हाथ में क्या हथियार पकड़ रखा है। सो गाइस, बाहर इतनी ठंड थी बहुत, तो स्नो की वजह से स्नो इतनी मेरे बालों पे पड़ी। अब ना लंबे बाल है, जितनों पे लगी ना सारे बाल एकदम खड़े हो गए ना, एकदम फ्रिजी से हो गए। मैंने कहा यार ये तो मैं बेयर नहीं कर सकती, बिकॉज मैंने परसों हेयर वॉश किया था। मैंने कहा यार इसको मैं ना जल्दी से थोड़ा स्मूथ कर लेती हूँ अपने डाइसन से, तो बस मैं वही कर रही थी। पर मज़ा बहुत आया, अभी ने भी बहुत इन्जॉय किया, मैंने बहुत इन्जॉय किया। आर्यन ने इस साल नहीं किया, बट होपफुली नेक्स्ट ईयर करेगा वो, क्योंकि मैं अभी रिस्क बिल्कुल नहीं लूँगी आर्यन को बाहर ले जाने का। सो गाइस, बाल हो गए मेरे ऑल सेट। काफ़ी अमेजिंग प्रोडक्ट है यार एकदम, मतलब सभी चीज़ है, मतलब इसके डाइसन के सारे प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं। क्या कर रहे हो बेटा? अभी तक तुमने बैंडेड नहीं लगाई, इतनी देर से बैंडेड कर रहे हो। गाइज, हमारा लड़का ना स्टो में जाके ना इसके पैर में हो गया दर्द, पता नहीं कैसे हो गया। ये मतलब कह रहा है, जो कि मुझे विश्वास करना थोड़ा सा नामुमकिन सा लग रहा है, बिकॉज स्नो से क्या ही दर्द होगा। मैंने चेक किया, एवरीथिंग इज फाइन, बट कहता है बैंडेड लगानी है मुझे। कोई चोट नहीं है, इट्स जस्ट माई लेग इज पेनिंग, आई हैव टू पुट बैंडेड। कोई स्कार कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। बैंडेड लगाने का हमारे भाई को बहुत शौक है ना अभी? या भी करेंगे तो अग्री भी करेंगे। खूब बैंडेड लगानी है ना? टू बैंडेड्स विल मेक यू बू बू ऑल राइट। डू यू वांट मी टू होल्ड दिस? बाय। देखो ओके, नाउ वन लेग गोज विद द पेन। आ, देखो कुछ नहीं है, कोई स्कार नहीं, कोई चोट नहीं है, बस इसे दर्द हो रहा है, पता नहीं स्नो से आने के बाद तो भाई ने बैंडेज। ओके नाउ और बैंडेज, योर लेग्स आर बेटर नाउ। तो भाई का प्यार इतना है बैंडेड को लेके, कि एक बार ना इनके ना कान में दर्द हो रहा था, पता नहीं छोटा मोटा कुछ होगा, लेकिन यहाँ कान पे बैंडेड चिपका लिया। मैंने कहा क्या हुआ है? ईयर इज पेनिंग। ओके, एक बार नाक पे, कोई स्कार नहीं, कुछ नहीं, चोट है, नाक पे यहाँ बैंडेड लगा लिया। क्या हो रहा है? माई नोज इज पेनिंग। लाइक कुछ भी पेन हो ना, बस बैंडेड लगा लो और उसके सही हो जाता है। कहते नाउ आई एम फीलिंग फाइन। हम बनाने वाले हैं आज जुकिनी, मतलब तोरी, इंडिया में इंडिया की तोरी और यहाँ की जुकिनी बहुत टेस्टी बनती है और मुझे तो बहुत पसंद है। तो अभी मैं सोच रही हूँ, या तो ये अभी बनाती हूँ या डिनर बनाती हूँ, वो डिसाइड करना। बट यस, आज खाएंगे हम लोग ग्रीन वेजिटेबल। इसमें कुछ जाएगा नहीं है, तो हो सकता है कि हम वैसे ही चले जाए म्यूजिक के साथ। गाड़ी इज हियर, आगे भैया। गुड मॉर्निंग, लेट्स गो। वही ऑफिस 144। तो गाइज, फर्स्ट स्टॉप पहुंच चुके हैं यहाँ पे, एसोटेक पार्क। यहाँ पे मेरा एक दोस्त है, उसकी अपनी कंपनी है ना, उससे मिलने के लिए यहाँ पे आया हूँ। देखते हैं अंदर, लंच करने के लिए चलते हैं, अपने फ्रेंड से मिलता हूँ। ये एल्विस प्रेस्ले से इंस्पायर्ड है कुछ इनका सारा। ये सो गाइस, डिनर नंबर 2 इज डन। अब यहाँ से गुलशन मॉल से निकल के हम चलेंगे अपना गुड़गांव।
एंड फॉर द फाइनल डिनर एंड अ कैब फॉर द नाइट। और बस काफ़ी हो गया यार आज तो, बहुत काफ़ी सोशलाइजेशन हो गई और काफ़ी खाना हो गया। और अपना रिलैक्स करने का टाइम आ गया, अपना बिस्तर पे बैठ के थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे एंड देन अनदर डे टुमारो। कल भी ऐसे हेक्टिक होने वाला है, लेट्स सी। अब जाके पहले कल की प्लानिंग भी करनी है, क्या क्या करना है। आई थिंक 4-5 एंगेजमेंट्स हैं कल भी, तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग इंडिया, गुड मॉर्निंग यूएस। आवाज कितनी भारी सी लग रही है ना, बट यार क्या करें, सुबह सबकी आवाज़ ऐसी होती है यार। मैं अभी अभी उठी हूँ और मैं आप लोगों को बाहर लेकर आई हूँ, क्योंकि बाहर अभी भी इतना अंधेरा है। पर टाइम क्या हो रहा है बताओ, बताओ टाइम क्या हो रहा है। टाइम हो रहा है 6:30 होने वाले हैं और मुझे भागना है जल्दी से अभी का ब्रेकफास्ट और स्नैक बॉक्स तैयार करने के। बाहर के कुछ ऐसे नज़ारे हैं। व्लॉग की शुरुआत हो गई है गाइस, आई होप आप लोग मेरे व्लॉग इन्जॉय कर रहे हो, इन्जॉय कर रहे हो। तो चलो अब जल्दी से अंदर आओ, आगे भी दिखाती हूँ क्या हो रहा है। तो गाइज व्लॉग की तो शुरुआत हो गई है, मॉर्निंग का टाइम हो रहा है। आई होप आप लोग अच्छे हो गए यार, क्योंकि मेरी तो आवाज़ से आप लोगों को लग रहा होगा कि थोड़ा सा कोल्ड जनिक आवाज़ आ रखी है। तो यस यार, बहन को थोड़ा सा कोल्ड लग गया यार। आई एम लिटिल अंडर द वेदर बिकॉज स्नो पड़ी है यार, बहुत बर्फ शर्फ पड़ी है। वो व्लॉग मैंने डाला है, नहीं देखा तो जाके देखो यार, बहुत मस्ती करी यार, तबीयत खराब करा रही है और क्या होगा इससे मस्ती। यहाँ पे हम अपने नेत्रों की औजार की सफाई कर रहे हैं, क्योंकि ये ज़रूरी है। और यहाँ पे मैं साक्षात प्रकट हो गई हूँ आप लोगों के लिए, सुबह के 6:30 लाइव फ्रॉम US। और बताओ जी क्या हो रहा है यार, क्या चल रहा है ज़िंदगी में, कुछ बताया करो, कुछ शेयर करा करो, कुछ आप शेयर करो, कुछ हम शेयर करें। खैर एनीवेज, इसी नोट पे, आजकल कॉफ़ी नहीं मिलती यार कुलदीप, मैं सिंह यार सुबह उठते हैं तो कॉफ़ी मिलती थी मुझे, कॉफ़ी नहीं मिलती। खैर अभी उठी हूँ, उठने के बाद अब फटाफट करना है अबीर का ब्रेकफास्ट और स्नैक बॉक्स तैयार, इससे पहले कि भाई उठ जाए, भाई को नहलाना है, फिर छोटे भाई सबको नहलाना है, फिर अपने ऑफिस का काम करना है, और फिर क्या क्या नहीं करना है। बहुत लंबी ट्रेन, अभी नज़र नहीं आ रही ना, नज़र आई आप लोगों को स्टेडियम। गलत एंट्री से हम लोग आ गए थे, बट दोबारा से यहीं पे हम ढाबा में अभी आने वाले हैं, एंड रीज़न बीइंग कि ये हमारे ऑफिस के काफ़ी पास है और यहाँ पे काफ़ी ऑप्शंस हैं, और ढाबा मुझे इन जनरल अच्छा लगा क्योंकि यहाँ म्यूज़िक बड़ा लाउड नहीं होता, तो आप एटलीस्ट यू कैन हैव अ कॉन्वर्जेशन। बहुत ही ज़्यादा मीटिंग्स थी, मतलब आई वुड हैव मेट 200 लोगों से कम मिला होंगे मैं, और जो 1-to-1 हुए होंगे वो एटलीस्ट 35-40 लोगों से तो हुए होंगे, 5-5, 10-10 मिनट। काफ़ी हेक्टिक था यार। अब ये डिनर अभी ऑफिशियल करने के बाद होटल जाके गोइंग कोस्टा कॉफी ढाबा, दिस इज वेयर वी गो। अब क्योंकि टीम अभी आने में थोड़ा टाइम है, मैं पहले आ गया था। कल का मैं बता देता हूँ आपको, अभी से आज ही बता देता हूँ कि कल क्या होने वाला है। कल एक्चुअली प्लान है ब्रंच पे जाना है, पहले तो किसी के साथ, एक मेरा कलीग टाइप का लगा लो, देन अगेन ऑफिस, एंड देन रात में फिर मेरा होगा डिनर। द एक्साइटिंग थिंग इज़ गोइंग टू बी डे आफ्टर, जब हम जाएंगे अपना गांव में। और कल क्योंकि मेरा यहाँ से डिनर वगैरह रैप अप करके प्लान है कि मैं होटल से भी अपना चेकआउट करूँगा, अभी फ़िलहाल मैं दिल्ली में रुका हूँ, तो वो भी मैं चेकआउट करके अपना घर जाऊँगा फरीदाबाद, विच इज़ वेयर माई मॉम एंड डैड लिव, एंड देन सैटरडे हम लोग जाएंगे अपने गांव, जहाँ गए हुए भी बहुत दिन हो गए हैं। और गांव का आई थिंक काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि वो मैं काफ़ी अच्छे से कैप्चर कर पाऊँगा। यहाँ पर तो यार ये कॉपरेट है, तो इसलिए मैं एक बार सुबह कुछ दिखाता हूँ और फिर उसके शाम को दिखाता हूँ, क्योंकि बीच में मैं ज़्यादा कुछ कैप्चर नहीं कर सकता, थोड़ा फॉर्मल एनवायरनमेंट होता है, एंड यू नो कैप्चरिंग इट्स नॉट अलाउड ऑल्सो, तो ये पीछे मैच चल रहा है। बट दिस इज़ व्हाट इज़ गोइंग टू बी द प्लान फॉर टुमारो, अगर बाई चांस ऐसा हो कि मैं सुबह कुछ बता ना पाऊँ। और आज भी इतने सारे डिनर्स प्लान थे कि मतलब आई हैड टू कैंसिल अ लॉट ऑफ द इवेंट्स डिनर्स, काफ़ी लोग मिलने के उसमें थे, बट अब यार दिन में 24 ही घंटे हैं, इतने ही लोगों से मिल सकता हूँ, तो जिन लोगों से नहीं मिल पा रहा उनसे यू नो अपॉलोजीज, बट गुड थिंग इज कि मार्च में मैं फिर से आऊँगा और फिर आई डेफिनेटली प्लान इट अ लिटिल बिट बेटर।
इस तरह के ना कुछ स्नैक बॉक्स के लिए मैं मिनी मिनी स्वीट्स ले आती हूँ, जैसे गोल चश्की होगी, ये मिनी ओरियोज हो गए, इस तरह के स्नैक बॉक्स में मैं डाल देती हूँ। साथ में इसको ये चॉकलेट स्टिक्स बहुत पसंद है। एंड देन देयर इज लाइक दीज, जिसे ये स्क्वायर्स कहता है, होती है चीज़ टाइप के, जो हमारे इंडिया में चीज़ आते हैं ना वैसे। इसका वेट कर रही हूँ मैं, ये वीट पास्ता मुझे अभी के लिए बनाना है, बस ये थोड़ा सा ड्रेन आउट हो जाए तो इसको बनाती हूँ फटाफट। तो दोनों चीज़ें हो चुकी है ऑलमोस्ट, और फ्रूट्स रख दिए हैं मैंने, और वाटर बॉटल रखनी है, और कुछ सुनी मैं सुखिया नहीं भाई, बहुत दिमाग लगाना पड़ता है, कुलदीप जल्दी आ जाओ। सो भाइयों बहनों, हुआ कि आज अबीर सिंह ने कर दी अपनी बस मिस। मैं खड़ी हूँ स्टॉप पे वेट कर रही हूँ, वहाँ पे वो बस ड्राइवर दूर से ऐसे मुझे हाथ हिला रही है। बेटा गाड़ी में बैठ कर आई हूँ, वहाँ बस ड्राइवर हाथ हिला रही है कि नहीं आया। मैंने दूर से समझा, मैंने कहा पता नहीं क्यों नहीं आया, फिर आई गॉट अ कॉल, तभी तुरंत मेरे पास एक फोन आया स्कूल से, वो कहते थे अबीर मिस्ड हिज बस। अबीर बट हाउ कम यू मिस्ड योर बस बाबू, सारे बच्चे बस में चढ़े हो, तुम क्या कर रहे थे? किस चीज में यू वर सुपर लेट? जनता जानना चाहती, मम्मा भी जानना चाहती, पता ऑफिस का काम छोड़ कर आई हूँ मैं आपको लेने के लिए, ऑफिस का काम छोड़ के, घर का काम छोड़ के, आर्यन को लेके मैं आपको लेने के लिए आई हूँ। बस इनको बताना नहीं है, बताओगे मेरे को क्यों क्यों आपने अपनी स्कूल बस मिस करी है? क्यों करी है बताओ? क्या? अच्छा अच्छा, क्या प्रॉब्लम है बताओ? जनता जानना चाहती, मम्मा भी जानना चाहती। टमी एक नीचा, देखो अभी वो टीचर क्या बोल रही थी, टीचर कह रही थी आराम से, इन दोनों दो बच्चे थे ये और इसका फ्रेंड, बोलते बोथ ऑफ देम दे मिस देयर बस, देयर वर टू किड्स हु वर होल्डिंग हैंड्स टॉकिंग टू ईच अदर, आराम से सैर सपाटा करते आ रहे हैं, बोलते फिर मैंने उन्होंने कहा तुम्हारी बस तो मिस हो गई है। हाँ मामा, क्या क्या कहना चाहते? भाई इनके एक्सक्यूज खत्म नहीं हो गए। बाद में बात करेंगे, बट बस आज इसकी पहली बार मिस हुई है दोस्तों, ये बच्चे कुछ भी करके मानेंगे। अब चलते हैं घर, बताते हैं, पूछते हैं इनसे पूरे डिटेल में कि हुआ क्या था। वो देखो स्नैक बॉक्स पहले खुल गया। भाई साहब जल्दी करोगे, आर्यन अलग चिल्ला रहा है, मुझे ऑफिस का काम भी करना। ननू यू वांट माय हेयर, लाओ दो। ओके डोर कौन बंद करे? हाँ अभी था तो दो मिनट आर्यन को, हाँ बेबू आले आपको भूले नहीं है, आर्यन को लग रहा है हम भूल गए। अभी भैया आ रहे हैं, भैया आ रहे हैं। अभी तुम्हारे इधर मुझे गार्बेज बिन्स लेने जाना है बाहर से, देखो भैया आ रहे हैं। हाँ इसको जल्दी कुछ लोरी वोरी सुनाओ, इसको चुप कर जल्दी कर। बाहर के नजारे देखो जरा, सुबह से अब देख रही हूँ ऑफिस की गद्दी पे बैठे बैठे कोई नजारे देखने को नहीं मिलते, सिर्फ एक ही स्क्रीन देखने को मिलती है। एक वो बेचारा हमारा गार्बेज बिन गिरा दिया, व्हाट इसमें से लेके नहीं गए ये लोग, शिट यार क्या। और आई एम श्योर पता क्या हुआ, अगर बहुत हवा चल रही थी जिस हवा से वो गिर गया होगा, और उनके पास वो इतनी जहमत तो वो लोग कर नहीं सकते, खा के पलटेंगे फिर अपने गार्बेज ट्रक में, तो छोड़िए। फिर बोलो क्या क्या कह रहे हो? आपने दूध फिनिश किया? दूध फिनिश करो पहले। कुछ भी मम्मा। हाँ बेटा। When I say Dunny, you have to say squish squash. Dunny. Squish squash. No, you have to do this. Squish squash. Dunny. Squish squash. No, you have to squish me. Squish you? Yeah. भाई मत। How to do that? खाना वाना तुम वैसे नहीं खाते तो मैं स्क्विश करके क्या करूंगी? Squish squash. No, say squash squash. Squash squash. Is Arun the same dudu as me? No, that is a different one. What? Arun ka dudu alag hota hai beta. That's a formula milk. Aur aap wala hota hai normal milk. Jab Abir chota tha, to Abir ne bhi formula milk piya. You know that? This milk? No, that's a different milk than Arun's milk. Arun ka hota hai ye wala formula. Pooch raha ki Arun ka kaun sa hota hai. भाई ये मत पी लियो तू कभी, इसने एक दो बार वैसे कोशिश करी, मैं देखा है तुझे अभी नो चंटता। आज हम लोग निकल चुके हैं जल्दी चेकआउट करके, दो दिन पहले चेकआउट कर लिया, वैसे परसों का चेकआउट था, बट मम्मी पापा के पास अभी तक गए नहीं रहने के लिए, तो इस बारी आई थॉट के एक दो दिन वहाँ रुकते हैं और फिर उसके बाद उधर चलते हैं, तो इसलिए
दिल्ली का स्टिंट यहाँ पे अब एंड हो गया। चलेंगे, एक क्लाइंट है मेरा, उसके साथ खान मार्केट में लंच है, लंच के बाद फिर ऑफिस, और फिर ऑफिस के बाद एक मेरा डिनर है, सेम वही गुलशन मॉल ढाबा 1978, सेम लोकेशन। तो लेट्स सी, हेक्टिक डे। देख तो ये हम पहुंच चुके हैं खान मार्केट। दिस इज द वेरी ओल्ड बिग चिल कैफे। पता नहीं कितना पुराना है, जब से हम स्कूल में थे तब से यहाँ पे सुनते आ रहे हैं बिग चिल कैफे, बिग चिल कैफे। बट एंड यस, गोला सिजलर, ये एक दूसरा है जो पता नहीं बाबा आदम के ज़माने से यहाँ पर है। बट गुड थिंग, अब अपनी जगह ढूंढते हैं जहाँ पे हमें जाना है। तो ये है दोस्तों खान मार्केट, पता नहीं क्या क्या है, फ्रोज़न का वंडम, वादम, मसाबा, बिग चिल केकरी, हाउस ऑफ फैट, पीचू, और ये नीचे अलग हैं ऊपर सारे फिर अलग हैं, कैफे आउट ऑफ द बॉक्स, लुपेरा बेकरी, आई डोंट नो व्हाट ऑल, एंड दिस इज़ जस्ट वन पार्ट ऑफ इट। अभी इसके पीछे इतनी ही और दुकानें हैं और बेकरीज हैं जहाँ मुझे जाना है, वो इसके बैक साइड में है। बट ये एरिया थोड़ा ठीक था वेट करने के लिए, बिकॉज माई क्लाइंट स्टिल 10 मिनट्स अवे, तो आई थॉट कि मैं यहाँ पे वेट कर लेता हूँ उनकी। ये दुकान मिली है यहाँ पे सब US की आइटम्स, चीटोस पफ्स, टोस्टीटोस, डोरिटोस, फ्लेमिंग हॉट चीटोस, टाकीज, टोर्टीटोस, US का सारा सामान यहाँ पर भी मिलता है। वेरी नाइस। तो दोस्तों ये मैं खान मार्केट में आया हुआ था, अभी हम कोऑर्डिनेट करने में लगे हुए थे, तो मैंने अपने क्लाइंट से पूछा कि भाई कहाँ हो, क्लाइंट अपने बोला कि यार तुम आ जाओ फिर एक साथ के अंदर चलते हैं, मैं बाहर ही वेट कर रहा हूँ। तो उसने बोला ठीक है आप वेट करो, मैं 10 मिनट में पहुँच रहा हूँ। तो मैंने ठीक है यार, मैं 10 मिनट अपना बाहर खान मार्केट एक्सप्लोर कर रहता हूँ, तब तक एक तो फ़ोन आया फिर दोबारा से कि पहुँच गए भाजी, मैं बस अभी पहुँच रहा हूँ और आप अंदर ही चले जाते या बाहर खड़े होने की क्या ज़रूरत थी। फिर यार बहुत सालों के बाद खान मार्केट आया, तो देखता हूँ कि खान मार्केट में भी एक्सप्लोर कर लेता हूँ थोड़ा सा कुछ। उसे भाई खान मार्केट नहीं आना था भाई, साकेत आना था, ये सेम रेस्टोरेंट साकेत में भी है। तो अभी ड्राइवर को बुलाया है, अब यहाँ से निकलेंगे साकेत, आधा घंटा दूर, मोए मोए हो गया ये तो अपना। तो फाइनली पहुँच गए हैं अब यहाँ पे करेक्ट लोकेशन पे, विच इज़ द DLF एवेन्यू मॉल नेक्स्ट टू कौन सा था वो, सेलेक्ट सिटी। तो जस्ट वेटिंग, अभी अंदर जाएंगे जहाँ लोकेशन है, बट आई थिंक ये कुछ नया खुला है DLF एवेन्यू, पता नहीं मे बी शायद पहले भी हो, बट सेलेक्ट सिटी वॉक से लगता हुआ है। मैंने बताया था थोड़े दिन पहले कि हमारा गैराज डोर खराब हो गया, यही प्रॉब्लम उसी दिन आ रही थी जिस दिन अबीर ने खराब कर दिया था, अबीर की गाड़ी हिट कर गई थी ना इनके, अब ऊपर नहीं जाएगा। ओह फाइनली अबीर हो गया, क्या बात है यार, आपके लिए व्लॉग बनाने आई और आपने गैराज डोर बंद करवा दिया, क्या बात है क्या बात है। मैं जैसे आई हूँ ना, पहले 5 बार ट्राई करके जा चुकी हूँ, 5 बार, जस्ट इमेजिन, नहीं हुआ ये, भाई ने बिल्कुल एकदम घुटने टेक दिए, नहीं होऊंगा। लेकिन जैसे ही मैंने व्लॉग स्टार्ट किया ना और आप लोगों को दिखाया, एकदम हो गया यार। आप लोगों से डरता है यार कुछ भी ऐसा होना जो काम नहीं कर रहा हो, टूट गया हो, बंद ना हो रहा हो, मैंने व्लॉग स्टार्ट कर लेना, बाय गॉड एकदम चीजें एकदम परफेक्ट हो जाएंगी, पता चल गया मुझे। सुन लो गैराज डोर, नेक्स्ट टाइम व्लॉग स्टार्ट हो जाएगा। थैंक यू जी, थैंक यू यार, आपकी व्लॉग की वजह से हो गया स्टार्ट।